माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आर टी चोकोज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चॉकलेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे जिसमें हम कोई भी इन्ग्रीडियंट का यूज नहीं करेंगे बट स्टिल हम एक सिर्फ एक शीट का यूज़ करेंगे दैट इज़ ट्रांसफर शीट जो हमारी चॉकलेट की एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा लुक देगा आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं सो so, मैं ही बता देती हूँ आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रिंटेड चॉकलेट्स जिसे बनाना बहुत ही इजी है उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे चॉकलेट जिसे मैं ऑलरेडी थर्टी सेकेंड्स के इंटरवल में एक मिनट तक आ, मेल्ट कर चुकी हूँ उसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे एक फ्लैट सा मोल्ड सो so, हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो मोल्ड है वो हमेशा फ्लैट होना चाहिए अगर आप कोई भी दूसरे शेप का मोल्ड यूज करेंगे जो आ, आ, कुछ अलग साइज जिसका शेप होगा जिसमें हम अपनी ट्रांसफ़र शीट को प्लेस नहीं कर पाएंगे सो so, आपके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा सो so, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा इसमें फ्लैट मोल्ड यूज़ करें अगर आपको जो डिज़ाइन है वो नीचे की तरफ से अगर आपको शो करना है तो उसके अलावा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्रिंटेड शीट इसे ट्रांसफ़र शीट्स भी बोला जाता है सो so, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है हमें अपनी ट्रांसफ़र शीट को इस मोल्ड के अकॉर्डिंग कट करना है जो अंदर का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी शीट को कट करना है सो so, हम सबसे पहले अपनी शीट को करते हैं कट अपने मोल्ड के साइज के हिसाब से और एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि हमें शीट के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली एक होता है थोड़ा सा रफ पार्ट और एक होता है स्मूथ पार्ट तो हमें स्मूथ पार्ट को यूज नहीं करना है सो so, हमको डिफरेंस कैसे समझ आएगा सो so, अगर आप फर्स्ट टाइम ये शीट यूज कर रहे हैं सो so, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप ये हमारा स्मूथ साइड है और यहाँ पे आप इसको टच करोगे स्क्रब करोगे तो कुछ भी यहाँ से इरेज नहीं होगा ये हमारा हो गया स्मूथ पार्ट और ये एक होता है हमारा रफ पार्ट सो so, सपोज करी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ सो so, यहाँ पे जो हमारी कोटिंग है इसको अगर आप रफ़ करोगे तो ईजीली रिमूव हो जाएगी दैट मीन्स ये आपका है रफ पार्ट सो so, हमें इस पार्ट को हमेशा रखना है ऊपर जिसके ऊपर हम अपनी चॉकलेट को करेंगे प्लेस So, हम अपनी शीट को सबसे पहले मोल्ड साइज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कट सो so, हमने अपनी शीट को अपने मोल्ड के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लिया है सो so, अब आपको क्या करना है जो ये रफ साइड है उसको हमको रखना है ऊपर एंड प्लीज़ आप इसको टच मत करिए शीट को जितना आप टच करोगे तो ये जितनी भी जो कोटिंग है वो रिमूव हो जाएगी ओके सो so, आपको स्मूथ साइड को रखना है नीचे और ये जो रफ़ साइड है इसको हमको रखना है ऊपर इस तरह से इसे हमने अपनी सारी शीट्स को मोल्ड में फिट कर फिट कर दिया है अब आपको क्या करना है जो ये हमने मेल्टेड चॉकलेट लिए जी so, सो यहाँ पे ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको डार्क चॉकलेट ही लेनी है सो so, आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं सपोज आपको अगर वाइट चॉकलेट लेनी है सो यू कैन ऑल्सो टेक वाइट चॉकलेट बट मिल्क चॉकलेट में यूजली मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगी बिकॉज मिल्क चॉकलेट में उतना कलर विजिबल नहीं होता है बिकॉज डार्क चॉकलेट में कोई भी लाइट कलर एकदम उभर के आते हैं बट मिल्क चॉकलेट में थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाते हैं सो so, आप कोशिश करिए वाइट या डार्क चॉकलेट के अंदर ही आप अपनी प्रिंटेड चॉकलेट्स को बनाइए सो so, हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट है वो आ, हम लेंगे और हम उसे मोल में डाल देंगे इस तरह से So, uh, चॉकलेट पोर करने के बाद हमें अपनी मोल को टैप नहीं करना है बिकॉज़ आप टैप करेंगी तो जो भी चॉकलेट है वो uh, नीचे चली जाएगी सो so, हमको हल्का से इसको बस बैलेंस करना है uh, और इसे हम रख देंगे फ्रिज में ये तो हो गया एक तरीका कि आपको uh, छीट्स को अपनी मोल के साइज़ के शेप के अकॉर्डिंग आपको कट करके इसमें डालना है और सपोज़ करिए आपको अगर बल्क में चॉकलेट बनानी है तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है कि एक एक चॉकलेट को आई I मीन mean, एक एक शीट को आपको कट करके मोल में एडजस्ट करना है सो so, आप क्या कर सकते हैं इन दैट केस आप चॉकलेट को ऊपर तक आपको मॉल में फिल करना है उसके ऊपर से आपको जो रफ साइड है उसको आपको रफ़ साइड को रखना है नीचे और आपको इस तरह से चॉकलेट को करना है प्लेस और अच्छी तरह से आपको उसको आपकी जो शीट है वो अच्छी तरह से मोल्ड पे फिट होनी चाहिए और आप उसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि जो चॉकलेट है वो जो शीट्स के साथ वो अच्छी तरह से अटैच हो जाए और फिर इसको आपको डायरेक्टली फ्रिज में डालना है जैसे ही आप उसको डालेंगे उसके बाद आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो सो so, ये वाली जो टेक्निक है ये आप किसी भी शेप के मोल्ड में आप यूज़ कर सकते हो कि बिकॉज अगर आपको नीचे डालना है अगर अब अपने जो शीट को अगर आपको मोल्ड के अंदर नीचे डालना है तो नीचे डालने के लिए ऑब्वियसली आपको कट करना पड़ेगा बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे एग्जैक्टली exactly इस शेप का मतलब मुझे फ्लैट मोल्ड नहीं चाहिए मुझे कोई भी शेप का मोल्ड है वो यूज़ करना है सपोज मैं आपको दिखाती हूँ सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आ, इस वाले मोल्ड पे हमको अपनी प्रिंटेड चॉकलेट बनानी तो, है तो बट ऑब्वियसली कि इस वाले क्योंकि ये राउंड मोल्ड है तो इस पे आप अपनी शीट को प्लेस नहीं कर सकते हो तो इन दैट केस आपको क्या करना है आपको चॉकलेट को पूरी तरह से ऊपर तक फिल करना है और फिल करने के बाद आपको जो रफ़ साइड है उसको आपको नीचे रखना है और अच्छी तरह से आपको इस शीट को उसके ऊपर प्रेस करना है ताकि जितनी भी चॉकलेट है वो शीट्स पे अच्छी तरह से अटैच हो जाए और उसके बाद डायरेक्टली आपको ये मोल्ड लेना है फ्रिज में रखना है दस मिनट के लिए दस मिनट बाद अब जैसे ही उसको निकालेंगे वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा और जो भी प्रिंट है वो आपकी चॉकलेट के ऊपर आ जाएगा और अदरवाइज अगर आपको फ्लैट मोल्ड अगर आप ले रहे हैं तो आप दो तरीके से बना सकते हैं या तो आप फ्लैट मोल्ड में नीचे कट करिए उससे ये हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी शीट सेव हो जाती है और अगर आपको बल्क में बनाना है आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली ऊपर से भी बना सकते हो तो ये दो तरीके से मैंने आपको प्रिंटेड शीट का यूज़ करना बताया है सो so, अब हम अपनी चॉकलेट को अमोल्ड को हम अपने फ्रिज में डालेंगे दस मिनट के लिए और दस मिनट बाद हम इसको रिमूव करेंगे तो दस मिनट बाद मेरी चॉकलेट हो गई अब मैं इसे करूँगी डी मोल्ड सो so, अब आपको क्या करना है जो ये हमने शीट ट्रांसफर शीट लगाई थी अब आपको इसको धीरे से करना है रिमूव और इस तरीके से आपकी जो प्रिंटेड चॉकलेट्स हैं वो हो जाएगी रेडी